हेलो अंजना मैम, आज आपका पहला वीडियो देख के 2 महीने 10 दिन हो गए मैम। और ये 2 महीने 10 दिन में हर दिन मेरा कितना मैजिकल है मैं आपको नहीं बता सकता। 18 जून या 17 जून को मैंने किसी और यूट्यूबर के चैनल पर आपका इंटरव्यू देखा और आई वॉज जस्ट ब्लोन अवे। 10 साल से मेरी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीख है, जो मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लोगों से पार्ट सीखे, उसके मुकाबले में आपका पर्सपेक्टिव पूरा अलग था। और उसके बाद जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जानकारी मैंने आपसे ली, आपके वीडियोस देखे, फिर उसके बाद 19 जून का जो करोड़ों की बातें वेबिनार हुआ, उसके बाद मेरी ज़िंदगी पूरी ज़मीन से आसमान की तरह बदल गई। मेरी ज़िंदगी ज़मीन आसमान में जितना फ़र्क होता है वैसे मेरी ज़िंदगी बदल गई पूरी। कई लोग मैनिफेस्टेशन के बारे में लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सिखाते हैं, आप घर कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप रिलेशनशिप कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप चीज़ों की ख्वाहिश करके उन्हें मैनिफेस्ट कैसे करना है, ये चीज़ें सिखाते हैं लोग अपने बुक्स में, अपने वीडियोस में। मगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि खुश रहना ज़रूरी है अपनी लाइफ में, अपने आप से प्यार करना ज़रूरी है, अपनी अतराफ में लोगों से प्यार करना ज़रूरी है, चीज़ों से प्यार करना ज़रूरी है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जैसे मैंने कहा कि खुश रहना ज़रूरी है। हैप्पीनेस इज़ दी सीक्रेट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने आपसे सीखा। हर हाल में बिना कोई वजह के बस खुश रहो, और मैनिफेस्टेशन के फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें अपने आप मैनिफेस्ट होती चली जाएंगी। ये कॉन्सेप्ट को निचोड़ के एज सिंपल एज दिस आपने समझाया हमें, और किसी ने नहीं समझाया। आप अपने डिज़ायर्स की बात करती थी तो बहुत अच्छा लगता था कि मैम US में सेटल होना चाहती हैं, मैम खुद का प्राइवेट जेट चाहती हैं, मैम $40 मिलियन चाहती हैं। बहुत अच्छा लगता था जब आप ये सब डिज़ायर्स की अपनी बातें करती थी तो। मगर जब आपने हैप्पीनेस सेंटर की बात की, और पहली बार जब मैंने आपके मुंह से हैप्पीनेस सेंटर की बात सुनी तो मेरे आंखों में आंसू आ गए मैम, आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि जब मेरे को ये बात का एहसास हुआ कि लोगों को प्यार का पाठ पढ़ाने वाला इतना भी सेल्फलेस हो सकता है कि किसी और के माँ बाप के लिए वो वृद्धाश्रम खोल ले। आपकी सर्विसेज लाजवाब है, आपकी सिर्फ और सिर्फ आपकी सर्विसेज के लिए लोग आपको बेशुमार बेहिसाब पैसा आज भी देंगे और इन फ्यूचर भी देंगे। मगर इन पैसों से आप अपनी खुशी के साथ साथ किसी और की खुशी का भी ख्याल रख रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है मैम, ये बहुत बड़ी बात है। मिसाल नहीं है आपकी कहीं और बहुत बड़े बड़े शिकरे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं जो इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर कर रही हैं, जिनके एक्सचेंज में वो अच्छी खासी मोटी कमाई कमा रहे हैं। मुझे यकीन है कि हर वो कंपनी, हर वो बंदा जो आज हमारे मुल्क में, हमारे कंट्री में रिच है, उनके बच्चे प्राइवेट जेट्स में घूमते होंगे, उनके बच्चे आलीशान से आलीशान घर में नेशनली भी रहते होंगे और इंटरनेशनली भी इनके ऐसे घर होंगे दूसरे मुल्कों में। पर किसी के मुंह से भी मैंने आज तक ये नहीं सुना, इन बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिकों से, इन बड़े अमीर लोगों से हमारे मुल्क के, कि हम वृद्धाश्रम खोल रहे हैं। अगर आप अपने माँ बाप की जिम्मेदारी हम पर देना चाह रहे हो तो हम खुशी खुशी लेंगे, आज तक मैंने इनमें से किसी के मुंह से सुना नहीं। और जब मैंने आपसे ये बात सुनी तो मेरे से ज़्यादा खुशी और गर्व कि मेरी टीचर ये काम कर रही है, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। और आप मैम हमको खुश रहना सिखा रही हैं, और खुशी
खुशी एक सोर्स है जिसके ज़रिए से हर चीज़ हासिल की जा सकती है। तो आप दुआ करिए मैम हमारे लिए कि हम आज हम 200 रुपए जो कुछ भी आपके लिए हम दे रहे हैं, हम इतने लायक बने कि एक दिन हम 2 करोड़ भी दे सकें, 200 करोड़ भी दे सकें आपके इस अच्छे काम के लिए। मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा, मैं भगवान का शुक्रगुज़ार हूँ कि भगवान ने आपको हमारी ज़िंदगी में शामिल किया, और मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप इतनी सेल्फलेस हैं और इतनी सेल्फलेस होकर इतना अच्छा काम कर रही हैं आप अपनी ज़िंदगी में। थैंक यू वेरी 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 मच मैम, थैंक यू वेरी मच।